आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूँ। This video presented by Inspire Global Group Institute. You can learn to succeed, basic computer, AutoCAD, MS Office, and other courses by well-trained, qualified expert trainers. Address Darshan Tower, opposite Khandi Petrol Pump, Sedum Road, Gulbarga. भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्हों क्या बोलते, वन नेशन वन इलेक्शन वन टैक्स वन लॉ वन कल्चर वन रिलीजन वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए बोल रहा हूं आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। नंबर वन, कर सकते क्या आप? थर्डली फोर्थली सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है मोदी साहब करेंगे, अभी सर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते, एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को, आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता, चलो प्रधानमंत्री आप ले लो अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो, चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे।
पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटलॉ करना चाहते। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट। यू कैन लर्न टू सक्सीड बेसिक कंप्यूटर AutoCAD, MS Office, and other courses by well-trained, qualified expert trainers. Address Darshan Tower, opposite Khandi Petrol Pump, Sedum Road, Gulbarga.